माइक्रोटेक के इस मॉडल में एक प्रॉब्लम आता है मॉस्फेट से रिलेटेड, यानी ओवरलोड और मॉस्फेट का जल जाना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि ऊपर से आपको मॉस्फेट फेरस देखेंगे, उसके बाद ये 40 एम्पीयर के फ्यूज ओपन मिल जाएंगे या ओवरलोड होके जो है सेट बंद हो जाएगा। तो बाद में आप क्या करते हैं कि इस आप मॉस्फेट दूसरा लगाएंगे और उसके बाद भी कुछ दिनों के बाद ये प्रॉब्लम सामने आ जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ मॉडिफाई करना होगा पीसीबी में, और वो मॉडिफाई वैसे तो कुछ कंपोनेंट है, जैसे ये हुआ और ये कंपोनेंट हुआ, यानी ये ड्राइवर आईसी है, यानी ये कैपेसिटर है, और ये दोनों कंपोनेंट यानी ये रेजिस्टेंस और ये पीएफ। अक्सर यहाँ पे ये जो चार पांच कंपोनेंट हैं जो कि अक्सर ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट जो है ज़्यादातर फाल्टी मिलते हैं और इसे हम यानी हमें देखना ज़रूर चाहिए। और यहाँ पे भी आपको दिखा दें, ये जैसे यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस। अब ये क्या है कि इसमें आपको दिखा दें, ये जैसे पूरा पीसीबी ध्यान से देखें और इसकी जो प्रॉब्लम है मॉस्फेट रिलेटेड, अगर मॉस्फेट यहाँ पे जलते हैं यानी शॉर्ट होते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो है कुछ कंपोनेंट हैं, यहाँ पे जो ड्राइव पल्स लाने वाली रेजिस्टेंस है और उससे लगा यहाँ पे जीनर है, वो अक्सर शॉर्ट हो जाते हैं और वहाँ के रेजिस्टेंस भी जो है ओपन हो जाते हैं। तो इसे ज़रूर से चेंज करें। और इसके साथ साथ हम बताते हैं कि इसमें जो कुछ मॉडिफाई करना है इसके बैक साइड में पीसीबी के, और वो मॉडिफाई कुछ ट्रैक हैं जिसे कट करके और एक वायर के द्वारा जो है उसे बाईपास करके जोड़ना है, यानी ज्वाइंट करना है। जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इस ट्रैक को यहाँ से कट किया जाएगा और यहाँ से जो है एक वायर के द्वारा यहाँ पे जो है एक जम्पर के जैसे जोड़ा जाएगा, और फिर यहाँ पे भी जो है ये ट्रैक यहाँ से कट करके उसी तरीके से जोड़ना है कि जैसे इस साइड का चैनल का कट करके जोड़े हैं। और इसके बीच में जो लगे कैपेसिटर हैं, यानी दोनों हीट सिंक के बीच में लगे कैपेसिटर, जैसे किसी किसी में चार चार या तीन, तो यहाँ पे क्या है कि आपको उसमें से दो कैपेसिटर करना है। और यहाँ पे आपको बता दें, ये देखिए सबसे पहले हम आपको दिखा दें यहाँ के वोल्टेज। अब यहाँ पर ये मल्टीमीटर का प्रॉब लगाएंगे और मल्टीमीटर को ध्यान से देखें, 10.5 वोल्ट दिख रहा है जो कि एसी वोल्ट है। अभी इस समय ये पीसीबी ओके है और इसका ओके कंडीशन आप देख सकते हैं, यानी ये रनिंग में है। और इसका डिटेल हम आपको बोर्ड पे बताएंगे कि इंटरनल ये कैसे कैसे मॉडिफाई किया गया है, क्यों किया गया है, और इसकी चार्जिंग को भी देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आप जो है डिटेल से समझेंगे बोर्ड पे। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।